कोसी के जल स्तर बढ़ते ही तटबंध के भीतर बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और इधर प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय में बैठ कोसी के रौद्र रूप का नजारा देख रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक लोगों की मदद के लिए कोई सामान नहीं आया, खासकर जिले के मरौन, निर्मली, किशनपुर, सुपौल, भपटियाई जैसे प्रखंडों के कई पंचायत के दर्जनों गांव कोसी तटबंध के पास है जिन पर खतरा मंडरा रहा है। कोसी का जल स्तर लगभग 2 लाख क्यूसैक से ऊपर पहुंच गया है जिसकी वजह से तटबंध के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। किशनपुर प्रखंड इलाके में तटबंध के भीतर बसे कई गांवों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोगों ने बताया कि यदि इस तरह पानी बहता रहा तो किसी भी वक्त आवाजाही बंद हो सकती है। स्थानीय वार्ड सदस्य बताते हैं कि कोसी के इस रौद्र रूप को देखते हुए घर से निकलने में भी लोग डरे सहमे हैं। कोसी के इस रौद्र रूप के बावजूद प्रशासन ने अब तक न कोई राहत कैंप शुरू किया है और न ही कोई वरीय अधिकारी ग्रामीणों का हाल चाल जानने पहुंचा। यहाँ के पानी का हाल इस तरह से है, बिगड़ा हुआ है कि हर एक के घर में पानी, बहुतों के घर में पानी घुसा हुआ है। आंगन और दरवाजे की तो बात ही नहीं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, आने जाने का आवागमन बिल्कुल बंद है। का क्या स्थिति है और उसके बारे में जानकारी दिया जाए? अभी किशनपुर में अपने और हमारे प्रभारी एडीएम सर के द्वारा भी परसा माधो और एनएच के सटे हुए कुछ गांव का मैंने किया गया है। कोई भी पंचायत अभी देखा गया है कि जहां जहां नाव की व्यवस्था है रोड। हालांकि प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से संबंधित सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। किशनपुर सीओ मोहम्मद अली अहमद कहते हैं कि बोट चालक और गोताखोरों को मुस्तैद कर दिया गया है। इस दौरान संबंधित चौकीदार को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सुपौल से नजीर आलम के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन।